नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस पास, जिस पे हम लाते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। दोस्तों, आज की पहली खबर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर है। यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिकल सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एसकेप ने हाल ही में एक सर्वे कंडक्ट किया है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने एम्बिशन बियॉन्ड ग्रोथ के नाम से प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 2019 में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 4.2% रहने का अनुमान है, वो 2020 में ये और कम होकर 4% ही रह जाएगी। वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी दौरान भारत की ग्रोथ रेट 7.5% की दर से बढ़ेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए इससे भी बड़ी चिंता का विषय ये है कि इसी दौरान पाकिस्तान से कई गुना छोटे देश बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 7.3%, नेपाल व मालदीव की ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान है और ये सब पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। वहीं पूरी साउथ ईस्ट एशिया की ग्रोथ रेट की बात करें तो इसका एवरेज 5.1% होगा। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान बड़े राजकोषीय घाटे से गुजर रहा है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार भी पाकिस्तान के दूसरे देशों की सहायता से चल रहे हैं। वो पाकिस्तान के रुपए की कम होती वैल्यू को देखते हुए इससे पार पाना पाकिस्तान की तत्कालिक इमरान खान सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की, जो इसरो को लेकर है। गौरतलब हो तो पिछले सप्ताह भारत द्वारा मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण करने पर अमेरिका द्वारा इस मिशन की आलोचना की गई थी। वह कहा गया था, इसके द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट के 400 से ज़्यादा टुकड़े भारत ने फैला दिए हैं, वह ये स्पेस स्टेशनों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। उनके इस तरह के रिएक्शन से अनुमान लगाया जा रहा था कि इसरो और नासा अपने आने वाले ज्वाइंट मिशन पर रोक लगा देंगे, पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ब्रेडन स्टाइन ने कहा है कि व्हाइट हाउस से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी मानव अंतरिक्ष उड़ाने सहित कई मुद्दों पर सहयोग देना जारी रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा, इसरो व नासा के संबंधों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा व आने वाले समय में दोनों एजेंसियां कई मिशन पर काम करेगी, जिसमें ह्यूमन मिशन फ्लाइंट वर्किंग ग्रुप, प्लेनेटरी साइंस वर्किंग ग्रुप, यूएस इंडिया अर्थ साइंस वर्किंग ग्रुप मुख्य हैं। दोस्तों, भारतीय सेना का आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो 3 दशक से टालमटोल स्थिति में चल रहा था, वह अब ट्रैक पर पहुंचता दिख रहा है। गौरतलब हो तो पिछले साल नवंबर में भारत ने अमेरिका से M777 अल्ट्रा लाइट होविट्सर को खरीदा, भारतीय सेना में शामिल किया था और अब देश में बनी पूर्ण रूप से स्वदेशी धनुष तोपों को भारतीय बेड़े में शामिल किया जा रहा है, जो भारतीय आर्टिलरी डिवीजन की क्षमता को कई गुना इजाफा करेगी। इसको 8 अप्रैल को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इस 155 mm की तोप को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने तैयार किया है। फिलहाल इस तरह की 114 तोपों को भारतीय सेना में खरीदने का अनुमान है, पर आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ाकर 414 कर दी जाएगी। इसकी लागत 4,500 करोड़ आने का अनुमान है।